अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने प्रियंका गांधी को खुली चुनौती दी है। बलिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि प्रियंका गांधी जहां से चुनाव लड़ेंगी वहीं से वह भी चुनाव लड़ेंगे और इतना ही नहीं वह उन्हें पराजित करके ही दम लेंगे। मैं चुनौती देता हूँ कि कोई हिम्मत हो तो हमारी पार्टी दी आदेश देगी तो प्रियंका जहाँ से लड़ेगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा और भारत की जनता को दिखा दूंगा कि भारत की धरती पर लंगोटी का सम्मान होता है, चुनरी का सम्मान नहीं होता है। यहाँ चुनरी का सम्मान न कभी हुआ है न आज होगा। चैलेंज दे रहे हैं, खुली चुनौती देता हूँ। पार्टी जिस दिन हमको कह देगी कि आपको राहुल के खिलाफ लड़ना है चाहे प्रियंका के खिलाफ लड़ना है, मैं उसी दिन से अपने घर से चलूंगा और शरीर लेकर करके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि जो है चरित्र में दम क्या होता है। मोदी जी के ध्वजवाहक हम लोग हैं मेरे भाई। मोदी के सामने प्रियंका नहीं, सात प्रियंका जैसे सात लोग आकर के लड़ लेंगी तो बनारस की धरती और भारत की धरती हमेशा लंगोटी का सम्मान करती है। लंगोटी का जो है विजय होगा और जो है चुनरी हारेगी। चुनरी में व्यापार होता है, कोई कमाता है कोई कमवाता है, ऐसा है मेरे भाई। हकीकत यह है कि भारत की जनता को राजनीति के लिए केवल कांग्रेस के लोगों ने मूर्ख बनाने का काम किया है। अपना ओरिजिन भी छिपा करके एक गांधी का टोपी लगा लेते हैं लोग। अरे भाई आपको कहना है तो कहिए कि मैं राजीव खान का बेटा हूँ, राहुल खान हूँ, प्रियंका खान हूँ और यदि रॉबर्ट्स बढ़ेरा किस से शादी हो गई तो कहो मैं बढ़ेरा हूँ। और गांधी क्या होता है? और प्रियंका जी गांधी हो गई, गांधी की टोपी गांधी का टैग लगाने से गांधी का संस्कार आ गया।